नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, क्रिस्टल्स को लेके आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे। कौन सा क्रिस्टल कब पहने, कैसे पहने, क्या ग्रहों के लिए भी क्रिस्टल पहन सकते हैं, सेवन चक्रास के लिए कैसे क्रिस्टल्स हो सकते हैं, आपके नाइन प्लैनेट्स के लिए, नौ ग्रहों के लिए कैसे क्रिस्टल्स हो सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सवालों का बहुत गंभीर जवाब दूंगा, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्रिस्टल कब पहने या कौन सा रत्न कब पहने। देखो, एक चीज़ आप जान लीजिए कि जेमस्टोन और क्रिस्टल्स दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। दोनों ही एनर्जी ही है, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, बट दोनों ही डिफरेंट चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि नौ ग्रहों के लिए नौ जेमस्टोन्स एकदम क्लियर, पक्के, साफ तौर पे। नौ ग्रह के लिए नौ जेमस्टोन्स, पर क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स होते हैं, सेवन चक्रास के लिए कई क्रिस्टल्स हो सकते हैं। सेवन चक्रास से जुड़े अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स हो सकते हैं। आपके भाग्यांक और मूलांक के हिसाब से अलग क्रिस्टल्स हो सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम के लिए अलग पर्सन को अलग क्रिस्टल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, या लाइफ के किसी एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए किसी एक क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ सकती है, या कई क्रिस्टल्स के जोड़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब आप समझेंगे कि हमारे सात चक्रों के लिए कौन कौन से क्रिस्टल्स हो सकते हैं, कौन कौन से पत्थर हो सकते हैं। सबसे पहले आप जान लो कि जनरली हम सब के जो हम इस संसार में विचरण कर रहे हैं, जो मानव शरीर, उनके नीचे के जो तीन चक्र होते हैं वो ज़्यादातर कमज़ोर होते हैं। मूलाधार चक्र, रूट चक्र जिसे कहते हैं, सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र जिसे कहते हैं, और मणिपूरक चक्र, सोलर प्लेक्सस जिसे कहते हैं। और हमें इनसे ही ज़्यादातर चीज़ों का सुख चाहिए होता है, और जीवन में सुख नहीं मिल पा रहे होते हैं तो असंतोष पैदा होता है। ऊपर के जो तीन चक्र होते हैं, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र, ये जनरली बहुत सारे लोगों का अच्छा होता है, क्योंकि वो ध्यान, जप, तप, पूजन, हवन, कीर्तन, भक्ति, नाम जप कर रहे होते हैं या गुरुओं के संगत में होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हमें कौन कौन से क्रिस्टल्स का उपयोग हो सकता है, ये मैं आपको आज बहुत ही सीधे तौर पे बताऊंगा। अब समझिएगा, मूलाधार चक्र किसी का कमज़ोर है तो कैसे कैसे सिग्नल्स आपको समझ में आएंगे, कैसे कैसे सिम्टम्स दिखेंगे। किसी का मूलाधार चक्र कमज़ोर है तो उसके अंदर हमेशा घबराहट बनी होगी, जीवन को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर के बेवजह की घबराहट महसूस होगी, उसमें स्थिरता नहीं होगी, मन में स्थिरता नहीं होगी। तो जब कभी भी आप इस तरह का फील कर रहे हैं, या अगर आप हीलर हैं और आपने किसी क्लाइंट का देख रहे हैं कि उसके अंदर बहुत अस्थिरता है, बहुत घबराहट है, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, अगर मैं नहीं रहा तो तुम लोग ये सब कर लेना, इस तरह की घबराहट अगर उसके अंदर देखी जा रही है तो समझ जाइए कि उसका मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र कहीं ना कहीं वीक पड़ता जा रहा है। हड्डियों में कमज़ोरी, ताकत का कम होना, बल का कम होना, चाहे मनोबल का कम होना हो, चाहे शारीरिक बल का कम होना हो, या किसी लंबी बीमारी से जूझ चुका है कोई इंसान, उसके बाद उसके अंदर एक अजीब सी कमज़ोरी, मानसिक कमज़ोरी आ गई है, एक ट्रॉमा रह गया है, तो उस कंडीशन में मूलाधार चक्र बहुत वीक हो गया होता है। और वैसे टाइम पे कौन कौन से क्रिस्टल्स मूलाधार के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो मूलाधार चक्र के लिए हम दो चार तरह के क्रिस्टल्स हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये रेड जेस्पर हो गया, ये क्रिस्टल आप इसे ब्रेसलेट की तरह पहन सकते हैं। और कौन सा है ये? गार्नेट। ये गार्नेट हो गया, गार्नेट को आप यूज़ कर सकते हैं। और क्या है? स्मोकी कॉर्ड्स हो गया, स्मोकी कॉर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी क्रिस्टल्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, सब रखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो तीन हैं ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। भाग्यांक और मूलांक के अनुसार क्रिस्टल्स को चेंज करके बदल के दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, इस चीज़ के लिए यही क्रिस्टल। ऐसा नहीं, इसमें कुछ जेनरिक नहीं होता कि किसी का सूर्य कमज़ोर है तो माणिक ही दे दिया,
किसी से किसी का अगर मून कमज़ोर है, चंद्र कमज़ोर है, तो उन्हें मोती दिया जाता है, उन्हें मोती पहनाया जाता है। और ये तो रत्नों की बात हो गई। किसी का चंद्र कमज़ोर है तो उसे मून स्टोन भी पहनाया जाता है। तो मोती एक रत्न है और मून स्टोन एक क्रिस्टल है। तो कब मोती पहनाया जाएगा और कब क्रिस्टल पहनाया जाएगा, ये आपके हीलर आपको बता सकते हैं, या फिर आपके अंतर मन से भी एक आवाज़ आती है जब आप उन दोनों क्रिस्टल्स को देखते हैं। अगर आप थोड़ा भी ध्यान साधना की प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको, आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मूलाधार चक्र के लिए कौन कौन से स्टोन हैं, जैसे चंद्र के लिए मैंने बताया मून स्टोन और मोती है, और भी कई स्टोन्स हो सकते हैं, तो आप उनका फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से और उसको देखिए और ध्यान लगाइए, और आपको अंदर से खिंचाव महसूस होगा कि इस स्टोन को हम देख सकते हैं, इस स्टोन को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। और ना समझ में आए तो आपके हीलर हैं, आपने हीलर से पूछ सकते हैं। आप कहीं से भी ये स्टोन लेकर के पहने, कहीं से भी आप क्रिस्टल्स लेकर के पहने, आप उसके लिए आप हमारे यहाँ हमारे नंबरों पर भी फ़ोन लगाकर जानकारी ले सकते हैं। वो जानकारी आपको हमेशा दी जाएगी। हो सकता है कि आज आप जानकारी मांगें और कुछ दिनों के बाद आपको जानकारी मिले, क्योंकि जो कभी मुझसे पूछकर बताया जाता है, कभी हमारे एक्सपर्ट्स जैसे जो मैडम लोगों का आपने हाथ देखा, वो लोग भी सही से गाइड करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आपको जानकारी मिल जाएगी जो कि जिसके लिए आपको कुछ अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फिर कहीं से भी आप ये स्टोन ले के मंगा के आप उसे धारण कर सकते हैं, हील करके पहनना। जैसे कि जब आप अपने हीलर से लेकर के पहनते हैं तो आपके हीलर उसे प्रॉपर 11 दिन या 21 दिन की हीलिंग करते हैं। तो इस तरह से होता है। आगे चलते हैं सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र कहते हैं जिसे। ये नई शुरुआत के लिए होता है बेटा। जीवन में कोई भी नई शुरुआत हो, कोई भी नई शुरुआत हो, जैसे कि एक नई संतान को इस जीवन में लेकर के आना, वो भी एक नई शुरुआत होती है। और सैक्रल चक्र विषय स्वादिष्ठान चक्र का ही वो काम होता है कि आपके जीवन में जब एक नई संतान को लाना है तो दोनों ही स्त्री शक्ति और पुरुष की शक्ति मिलकर के स्वादिष्ठान चक्र की ही शक्ति से एक नई शुरुआत को किया जाता है। जीवन में किसी नए बिजनेस को शुरू करना है, नई पढ़ाई को शुरू करना है, कुछ नया सोच है जिसमें हमें अमल करना है, किसी नए इंसान से मिलना है, किसी नए इंसान को जीवन में लेकर के आना है, या कोई पशु कुत्ते बिल्ली गाय को जीवन में लेकर आना है, जब भी कोई नई शुरुआत करनी है तो उस समय आपको सैक्रल चक्र की शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये सैक्रल चक्र जो होता है, स्वादिष्ठान चक्र होता है, ये बिल्कुल उगता हुआ है, मतलब नई शुरुआत हो, जैसे सूर्य को देखना, जब एक नई शुरुआत होती है सूर्य की तो कैसा होता है, तकरीबन रेड ऑरेंजिश कलर का होता है। तो ऑरेंजिश कलर का हम सबसे ऑरेंजिश कलर का ही हम सैक्रल चक्र को जानते हैं। तो ऑरेंजिश कलर का सैक्रल चक्र के लिए हम ऑरेंजिश कलर का सबसे जो मेन क्रिस्टल होता है वो है क्या, कार्नेलियन। कार्नेलियन स्टोन जो ऑरेंजिश कलर का होता है, कार्नेलियन थोड़ा सा वाइटिश कलर का भी होता है, तो भ्रम में मत आना एकदम ही ज़्यादा ऑरेंज कलर का होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वाइटिश भी हो सकता है कार्नेलियन। आपके हीलर, आपके मास्टर्स आपको बताएंगे, या जिस वेबसाइट से आप ले रहे हैं उसके उसके सर्टिफिकेट को देख के आपको समझ में आएगा कार्नेलियन यूज़ होता है। और ये क्या है बेटा, सनस्टोन इस्तेमाल करते हैं कार्नेलियन, क्योंकि वही जैसे कि मैंने बताया उगता हुआ सूरज, तो सनस्टोन, ये सनस्टोन भी उसी के लिए इस्तेमाल होगा। अम्बर स्टोन, तो ये भी येलो और ऑरेंजिश कलर का होता है। तो ये दो तीन यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए हैं, और भी क्रिस्टल्स यहाँ पे रखे हुए जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। और बेटा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिस्टल्स ही पहने, ज़रूरी नहीं है क्रिस्टल्स ही पहने, आप टंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अर्थ जिसे हम कहते हैं टंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, पिरामिड यूज़ कर सकते हैं उन क्रिस्टल्स का, आप हार्ट स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको अपनी साधना में इस्तेमाल कीजिए, किसी भी तरीके से आप उसे अपने जीवन में लेकर के आइए और अपने उन चक्रों को उठाइए। आगे हम आगे और भी चक्रों के बारे में आपको बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, सबके चक्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप क्रिस्टल ट्री, ज़रूरी नहीं है कि आप
क्रिस्टल को पहने या क्रिस्टल ट्री को भी अपने आसपास रख सकते हैं। क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स की कहानी जो हमारी चल रही है उसमें हमने मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र यानी कि रूट चक्र और सैक्रल चक्र में कौन कौन से जेमस्टोन्स या क्रिस्टल्स का उपयोग होगा, या आप सीधे मणिपुर चक्र के बारे में जानना चाहते हैं मतलब कि सोलर प्लेक्सस चक्र पे और हार्ट चक्र पे, विशुद्धा चक्र पे कौन से जेमस्टोन इस्तेमाल होने वाले हैं, कौन से क्रिस्टल्स इस्तेमाल होने वाले हैं, तो उसे समझने के लिए और इनके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, रेकी हीलिंग हो या लामा फेरा हो या एंजल हीलिंग हो, कहीं ना कहीं हमें और हमारे क्लाइंट्स को क्रिस्टल्स की आवश्यकता पड़ ही जाती है, क्योंकि हम हमेशा ही हीलिंग के सहारे या हमेशा हीलिंग वाले मोड में नहीं रह पाते, तो अपनी हीलिंग की ऊर्जा को अपने क्रिस्टल्स में धारण करके हम उसे अपने पास रखना चाहते हैं। तो आगे के अध्याय में हम समझते हैं कि मणिपुर चक्र कब वीक होता है। हमारे अंदर एक अजीब सी शक्ति की कमी होने लगती है, हम शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, एक आध्यात्मिक बल हमारा कम हो जाता है, हमारे पास मान सम्मान वैभव कम होने लगता है, हमारा धन संपत्ति अचानक से कम होने लगता है, हमारी कोशिशें ज़्यादा रहती है और हमें हमारे एफर्ट्स ज़्यादा रहते हैं, हमें रिजल्ट्स कम मिल रहे होते हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रहा होता है। सूर्य की तरह हम चमकना चाहते हैं लेकिन हमारा पूरा एफर्ट होने के बाद हम सूर्य की तरह नहीं चमक पाते। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो मणिपुर चक्र होता है हमारे खाने को, हमारे पानी को पचाने के लिए, हमारे शरीर में पूरी तरह से उससे एब्जॉर्ब करने के लिए भी कारक होता है। तो इन सब चीज़ों से जब हम गुज़र रहे होते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है हमारा रिज़ल्ट, हम अपने बल को उच्चतम पर नहीं लेके आ पा रहे हैं, एड्रेनल ग्लैंड इसके लिए ज़िम्मेदार होता है, तो हमारे पास हॉर्मोन्स भी उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हम बहुत तेज़ी से दौड़ना चाहते हैं लेकिन हम दौड़ना नहीं, दौड़ आलस कर रहे हैं, हम बहुत सुबह से उठे हैं और आज ये करेंगे, वो करेंगे, सोच के निकले हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे। तो ये एक सिम्टम है कि हमारा मणिपुर चक्र कमज़ोर है, हमारे जीवन में बहुत हम मान सम्मान वैभव पाना चाहते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिल पा रहा है और कोशिशें हमारी पर्याप्त है, तो मणिपुर चक्र कमज़ोर है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो कौन सा काम आता है, येलो सिट्रिन आपके काम आएगा। और कौन सा काम आएगा, टाइगर आई आपके काम आएगा, और कौन सा काम आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो काम आएंगे। हाँ, अंबर भी आपके काम आएगा, ये आपके सैक्रल चक्र में भी ये काम आया था और ये आपके मणिपुर चक्र में भी काम आएगा, स्पेसिफिक कंडीशंस पे ये आपके काम आएगा। और भी कुछ जेमस्टोन है जिसका नाम ये लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए, और इन सारे जेमस्टोन में से किसी को भी आप धारण कर सकते हैं, जो आपके हीलर आपको बताएंगे या आपके मास्टर, आपके गुरु जो भी हैं वो आपको बताएंगे, या आपका दिल जिसे अंदर से पुकारता है, आप अपने आँख बंद करके फील कीजिए, ध्यान लगा करके थोड़ा दिन देखिए और आपको समझ में आएगा कि आप किसे अपनी लाइफ में धारण करना चाहते हैं। ना केवल ब्रेसलेट के फॉर्म में, आप माला के फॉर्म में धारण कर सकते हैं, आप टंबल के फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं, आप शिला, हिमशिला जिसे बोलते हैं, उसके फॉर्म में अपने आसपास रख सकते हैं, तो आप पेंसिल के फॉर्म में रख सकते हैं, माला के फॉर्म में रख सकते हैं, माला की तरह धारण कर सकते हैं, अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं, अपने आसपास उन्हें रखें और जिस वजह से रखेंगे वो उस लिए। आप अगला है हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है, हार्ट चक्र जब कमज़ोर होता है, तो हमारे अंदर दया, प्रेम, एम्पैथी, सिंपैथी की कमी होने लग जाती है, हमें वो चीज़ मिल भी नहीं रही होती है, कहीं बाहर से भी नहीं मिल पा रही होती है, मैनिफेस्टेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हुआ तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करने की थोड़ी सी जर्नी में आगे बढ़े, और पहला शक आ गया, नहीं हुआ तो एग्ज़ाम दिलाना चाहते लेकिन पास नहीं हो पाया, तो किसी पर्सन से हम बात करना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, जॉब नहीं लग पाई, तो किसी लड़की से या किसी लड़के से हम रिश्ते की बात करना चाहते हैं, उसने मना कर दिया, तो किसी से हम दोस्ती करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे डर हैं जो हमारे अंदर हमारे ईगो की वजह से आते हैं। देखो ये डर है लेकिन ये पैदा हुआ ईगो का, ये रिजेक्शन का जो डर होता है वो ईगो से ही पैदा होता है, बहुत छोटा होता है लेकिन ईगो से ही पैदा होता है। तो जब ईगो बहुत ज़्यादा होता है तो समझ जाना, थोड़ा बहुत ईगो की वजह से भी आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो आपका हार्ट चक्र बहुत कमज़ोर है, आपके अंदर जलन की भावना होती है,
आप किसी और की तकलीफ़ में थोड़ी बहुत खुशी महसूस करना शुरू कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा सत्य है कि अगर आप किसी चीज़ को देख कर के आपको खुशी मिलती है तो प्रकृति आपको वो चीज़ ज़रूर देती है, क्योंकि आपको वो चीज़ से खुशी मिली थी, ऐसा प्रकृति के सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है। हार्ट चक्र कमज़ोर है, तो हार्ट चक्र जब कमज़ोर है तो कौन कौन से हम क्रिस्टल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सारे क्रिस्टल्स हो सकते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ग्रीन एवेंचुरिन, दूसरा होता है जेड इस्तेमाल होता है, और क्या इस्तेमाल होता है, रोज़ क्वार्ट्स इस्तेमाल होता है। रोज़ क्वार्ट्स बहुत काम आने वाला है, हालांकि ये पिंक कलर का है लेकिन हार्ट चक्र के लिए, प्रेम के लिए बहुत ज़्यादा है। ये कौन सा क्रिस्टल? और बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जिनके नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप इन्हें देखिए और ये सारे क्रिस्टल्स आपके काम आएंगे। इन क्रिस्टल्स को आप फील कीजिए, आपको कौन सा क्रिस्टल काम आ सकता है इसके लिए आप विचार कीजिए, ध्यान लगा के अपने अंदर पुकारिए, आपको जवाब मिलेगा, नहीं तो आपके हीलर्स, आपके मास्टर्स आपको बताएंगे। आप भाग्यांक और मूलांक के ज़रिए, बेटा आप हमारे यहाँ भी इससे फ़ोन करके ये सेवा हमसे ले सकते हैं। इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकता हूँ कि आप आपका डेट ऑफ बर्थ जो बताएंगे, इसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूँगा। आपको कुछ दिनों के बाद जवाब मिलेगा, आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कुछ समय के बाद जवाब मिलेगा। फिर आप कहीं से भी आप उसे अरेंज कर लीजिए, जिन क्रिस्टल्स को ले आइए, आपके जान पहचान की किसी शॉप से या किसी वेबसाइट से आप ले सकते हैं क्रिस्टल्स को। बस आपके लिए मैं इतना कर दूँगा कि आपके लिए कौन सा सही है ये मैं आपको बता दूँ। अगला है थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र जिसे कहते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम रहती है जनरली जिनका थ्रोट चक्र कमज़ोर होता है, सुनना पसंद नहीं करते, बोलते ही जाते, अपनी ही बात बोलना अच्छा लगता है, या फिर इसके ठीक उल्टा कि बोल ही नहीं पाते, सिर्फ सुनते रह जाते, अपनी बातों को रख नहीं पाते। इसका साफ मतलब यह है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत कमज़ोर होती है। बहुत ऐसे सारे लोग होते हैं जिनकी भाषा भी क्लियर नहीं है, जिसको ढंग से हिंदी नहीं आती, जिसको ढंग से इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अपनी बातों को अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपनी मासूमियत से अपनी बातों को रखते हैं और सामने वाले को समझा लेते हैं कि वो एक्स बोल रहा है तो सामने वाले को एक्स समझ में आता है, वो वाई बोल रहा है तो सामने वाले को वाई समझ में आता है। लेकिन जिसका विशुद्ध चक्र कमज़ोर होता है उसको एक्स बोल रहा है तो वाई समझ में आता है, ज़बरदस्ती के झगड़े बढ़ जाते हैं, बहस हो जाती है, ये बोलना कुछ और चाह रहा है, वो समझ कुछ और रहा है, वाक शुद्धि नहीं होती बिल्कुल भी। वाक शुद्धि में जो बोल रहे हैं वो सिद्ध नहीं हो पाता, जो चाहते हैं वो सिद्ध नहीं हो पाता, और हमेशा एक उनके अंदर ये भय होता है कि मैं अपनी बातों को समझा नहीं पाऊँगा, अपनी बातों को कह नहीं पाऊँगा, तो इसलिए उनका वाक उनका जो ये जो विशुद्ध चक्र है और दिन ब दिन कमज़ोर होते जाता है, मतलब कि एक लूप में वो फंस जाते हैं। कमज़ोर था इसलिए नहीं बोल पाए इसलिए भय आया इसलिए और कमज़ोर हो। तो इस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सोडालाइट, लैपिस लजूली या फिरोज़ा बोलते हैं इसे, और कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैडम इसे? टर्कोइज़ कहते हैं इसे। आप इनमें से या और भी कुछ नाम मैंने लिख दिए हैं जिनमें से आप किसी भी एक क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके बहुत काम आएगा। इसके बाद है थर्ड आई, आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, अध्यात्म का केंद्र जिसे कहते हैं। जब ये कमज़ोर होता है तो फोकस की बहुत कमी हो जाती है, विजुलाइजेशन नहीं कर पाते, मैनिफेस्टेशन के लिए जो विजुलाइजेशन करना होता है नहीं कर पाते, सपनों देखने में ही डर लगता है, बस अपने विजुलाइजेशन में उतर नहीं पाते, इमेजिनेशन बड़ा कमज़ोर होता है। कोई चीज़ को अगर आप ध्यान में जाकर देखने या सुनने या समझने की कोशिश करना चाहते हैं नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगा पाते, कई घंटों बैठ जाने के बाद भी ध्यान में उतरना नहीं आया है अभी तक, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी अध्यात्म में नहीं उतर पा रहे, ध्यान में नहीं उतर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे, रिश्ते में फोकस नहीं कर पा रहे। जब फोकस की कमी होने लगती है तो समझ जाइए कि क्या आज्ञा चक्र कमज़ोर है। हम सबको इंट्यूशन पावर मिला हुआ है परमात्मा की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, लेकिन वो इंट्यूशन पावर भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, इंट्यूशन हो ही नहीं पाता, एकदम पास का चीज़ का इंट्यूशन नहीं हो पाता, मतलब कि अभी 15 मिनट पहले देखा था कि 12:45 बजे हैं, लेकिन 15 मिनट बाद ये ध्यान में नहीं आता कि हाँ अभी 12 बजे होंगे, कि एक आइडिया हो जाता ना कि 15 मिनट हुआ तो 12 बजे होंगे, वो इंट्यूशन पावर भी बड़ा कमज़ोर हो जाता है, जजमेंटल हो जाते हैं ऐसे लोग।
बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, हर किसी को जज कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर जज कर देते हैं, गालियाँ निकाल रहे होते हैं, ज़बरदस्ती किसी की हरकतों से फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि देखो वो छपरी है, कि वो देखो वो ऐसे छोटे कपड़े पहनता है पहनती है, ये देखो वैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, वो ज़बरदस्ती का उनको किसी ना किसी चीज़ से लोगों से प्रॉब्लम ही रहती है, जजमेंटल हो जाते हैं। तो ये कुछ पैटर्न है जैसे देख के आपको समझ में आएगा कि इनका आज्ञ चक्र बड़ा कमज़ोर है। तो उस कंडीशन में आज्ञ चक्र के लिए आपको कौन कौन से क्रिस्टल दे सकते हैं हम, एमेथिस्ट दिया जा सकता है, लैपिस लाजुली भी दिया जा सकता है, और भी कई क्रिस्टल्स हैं जिनका नाम मैं लिख देता हूँ, आप देख लीजिए जो यहाँ रखे हुए हैं उनमें से कोई क्रिस्टल आप धारण कर सकते हैं। धारण कैसे होगा ये आपको मालूम है, ठीक है। अगला है सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र जिसे कहते हैं, आध्यात्म की पराकाष्ठा, सबसे उच्चतम स्रोत जहाँ परमात्मा का वास होता है, जहाँ परमात्मा का वास हो सकता है, लेकिन तब जब सरेंडर होगा, जब सरेंडर की कमी आती है, जब हम समर्पण नहीं करते, तब सहस्त्रार चक्र कमज़ोर होने लगता है। हम ज़्यादातर अपने ईगो में ही हैं, हम क्यों सरेंडर करें। तो अपना सरेंडर जब आप दिखाते हैं तभी उन्नति होती है। अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी होती है ऐसे लोगों में, समझदारी नहीं होती, किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते, मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी चीज़ को समझ लेना अलग होता है, किसी में समझदारी दिखा पाना अलग होता है। बहुत जल्दी अपने आप में आ जाते हैं, अपने आपे में आ जाते हैं और अपने आपे से बाहर भी चले जाते हैं, दिशा विहीन होते हैं, ये करना है वो करना है, कभी ये करना है कभी वो करना है, कभी उसके जैसा करना है कभी उसके जैसा करना है। एडिक्शन देखने को मिलेगा, चाहे वो फिज़िकल रिलेशन का एडिक्शन हो, चाहे वो नशे का एडिक्शन हो, शराब जुआ गांजा कोई भी एडिक्शन हो, आपको मोबाइल का भी एडिक्शन हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में हम सहस्त्रार चक्र को हील करने के लिए मूनस्टोन यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा हम बोलेंगे तो वो है क्लियर क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स इस्तेमाल करना बहुत उचित है। एमेथिस्ट को भी हम यूज़ करते हैं, और क्या लैब्राडोराइट, ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है जो हम सहस्त्रार चक्र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ज़रूरी नहीं है कि इसे माला के फॉर्म में या फिर इसे ब्रेसलेट के फॉर्म में, इसके लिए आप हिमशिला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिमशिला को अपने हाथों में रखकर ध्यान करना भी सहस्त्रार चक्र को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। ये कुछ तरीके हैं बेटा जिससे, ये कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने अलग अलग चक्रों को, अलग अलग चक्रास के प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। अनगिनत क्रिस्टल्स हैं, मैं 250-300 क्रिस्टल्स तो मैं खुद जानता हूँ, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। तो आप अपने हीलर से बात करके, अपने मास्टर्स से बात करके, अपने गुरुओं से बात करके, कौन सा क्रिस्टल धारण करना है, कब धारण करना है, ये पूछ करके ही करें। और इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट करके, तो आपको कौन सा धारण करना चाहिए ये हमारे यहाँ से आपको बता दिया जाएगा। आप कहीं से भी इसे ला लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है इंटरनेट में अगर आप सर्च करेंगे तो, और बना करके उसे प्रॉपर हील करके धारण करें और आपके जीवन की ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी परेशानियों को हील करें। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा लंबा था लेकिन ज़रूरी था। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।